विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 19 अक्टूबर को राजीव गांधी पदयात्रा में हाउसिंग बोर्ड से राजीव चौक पर शाम 7 बजे पब्लिक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें राहुल गांधी ने BJP पार्टी, BRS पार्टी और MIM तीनों पार्टीज पर शदीद तनकीद का निशाना इजहार किया और कहा कि ये तीनों पार्टीज देश के दुश्मन हैं और तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो कि गरीबों और सभी के विकास को काम करने वाली पार्टी है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सुनामी आने वाली है और हर किसी के लिए कांग्रेस पार्टी ही बेहतर तरीके से काम करेगी और देश के हर आदमी का काम ज़रूर करेगी और तमाम का विकास होगा। कांग्रेस के 6 पक्के वादे ज़रूर पूरे किए जाएंगे और तमाम लोगों को कांग्रेस पार्टी को भारी मेजॉरिटी से जीत दिलाने और BRS पार्टी को मार भगाने का इन्होंने बात जाहिर की। इस यात्रा में रेवंत रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, CLP लीडर मल्लू विक्रमार्कर, डी काव्यमपल्ली सत्यनारायणा, नरेंद्र रेड्डी, रोहित राव और दिगर लीडरान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहां के चंद मनाजिर। पेशे करीमनगर से रिपोर्टर मोहम्मद शफीक अहमद रजीउद्दीन की ये खसूसी रिपोर्ट। राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, DNA की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर BJP ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना CBI उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर KCR BJP की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो बिल्कुल सही, KCR उनकी मदद करते हैं और BJP इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है, BJP के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे BJP के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं आज कुछ कमी रह गई, थोड़ा और जोर से मुझे बोलना चाहिए, मगर KCR पे, उनके परिवार पे BJP का कोई नेता आक्रमण नहीं करता। कोई केस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, मिले हुए हैं दोनों। दूसरी तरफ MIM है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी BJP से लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, महाराष्ट्र हो, वहां पे BJP की मदद करने के लिए MIM के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। भाई और बहनों, दिल्ली में BJP को हराना है, तेलंगाना में BRS को हराना है, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, यहाँ पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहां आएगी
और फिर दिल्ली में आएगी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग पिछड़ों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, बीआरएस के लोग बीआरएस, मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप ओबीसी को इतना चाहते हो तो आपने कास्ट सेंसस का जो डेटा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, जाति जनगणना की थी, देश को क्यों नहीं दिखाया? जैसे हमारी यहां सरकार आएगी, आप लिख के रख लो, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस यहां हम करवाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वैसे हम दिल्ली में कास्ट सेंसस करवाएंगे। और ओबीसी की सच्ची जो शक्ति है, ओबीसी को हम उनकी सच्ची शक्ति दिखाएंगे। आज करीमनगर में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी आने का अवसर पर हम सब इधर कांग्रेसवासी बहुत खुशी से आज उनको वेलकम करें, और उसके साथ ही हमारा पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी और सीएलपी लीडर मल्लू बट्टी विक्रमार्का जी, और उसके साथ हमारे सारे कांग्रेस के परिवार आज करीमनगर आइए, और इतनी बड़ी खुशी से हम उसको वेलकम करें बहुत ही शानदार से पादयात्रा करके, और हमारे राजीव चौक के किनारे पे कॉर्नर मीटिंग भी कर चुके हैं। बहुत खुशी के अवसर है ये, क्योंकि चुनाव अभी 40 दिन में आने हैं, और यहाँ के जो मिनिस्टर है उनका टाइम अभी हो गया, खाली केवल 40 दिन बचे हैं, 42 डेज बचे हैं। इसकी बार सरकार हम 100% कांग्रेस बनेगी, और करीमनगर में कांग्रेस की झंडा भी लहराएगी। जय कांग्रेस। नमस्कारम। इवाला चाला सुदिनम, ఎందుకంటే రాహుల్ జీ గారు, తర్వాత ప్రియాంక జీ గారు, బట్టి విక్రమార్క జీ గారు, రేవంత్ అన్న గారు, మా నాయకులందరూ కూడా కరీంనగర్కు రావడం, పాదయాత్ర చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు ఎట్లా కదిలి వచ్చారనంటే అసలు ఆ రోడ్ల పైన నిలబడ్డామంటే కూడా జాగలేనంతగా ఇదైంది. సోనియమ్మ గారు ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారంటీల పథకాలను చక్కగా వివరించి స్త్రీలకు ఏ విధమైన న్యాయం చేశారు ఆ రోజు, ఇందిరమ్మ రోటీ కప్పుడా ఔర్ మకాన్ ఏ విధంగానైతే సక్సెస్ఫుల్ చేసిందో, ఇవాళ 6 సూత్రాల ఈ 6 గ్యారంటీ పథకాలను కూడా సక్సెస్ చేసినందుకు మా రాహుల్ జీ గారు జై ఆజ్ కరీంనగర్ మే జో సభ హువా జబ్ని రాహుల్ గాంధీ జీ యాపర్ ఆయి హే तो उसके बारे में मैं ये कहना चाह रही कि जो 6 हामियां जो हमने सोनिया अम्मा और राहुल गांधी जी जो हामियां के बारे में जो बताया अभी राहुल गांधी ने, तो महिलाएं के लिए बहुत अच्छा दिखा, और क्योंकि ये हामियां की वजह से महिलाएं भी खुश है कि कांग्रेस इस बार कांग्रेस सरकार हमारे करीमनगर में भी कांग्रेस सरकार आने वाली है। और ये कहना चाह रही मैं कि ये जो पदक है जो हामियां रखें ना आप, इससे बहुत खुशी महसूस हुई, और आप भी यहाँ पर ख़दम डालें इंशाल्लाह आपके कांग्रेस जो किसी को भी आप किसको भी अगर एमएलए को देना है, एमएलए को जो टिकट देना है करा, जो मेहनत करा शुरू से उसी के लिए उसके ऊपर ही ख्याल करके आप टिकट देना आना, कहीं को बोले तो हमारे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम नरेंद्र अन्ना के साथ बहुत काम किया, इतनी मेहनत करें आज मेहनत का फल हमारे अन्ना को मिलना बोल के हम खुश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। करीमनगर लो कांग्रेस कष्टकालम लो పనిచేసిన నరేంద్రన్నకు టికెట్ ఇవ్వాలని కరీంనగర్ మైనార్టీ అందరు కోరుకుంటున్నాం. నరేంద్రన్నకు టికెట్ ఇస్తే 50,000 మెజారిటీతో గెలుస్తాడు నరేంద్రన్న. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్.